साथ ही साथ यह भी प्रावधान किया है कि अगले 3 वर्षों में हमारे पुलिस के जवानों के लिए, पुलिस के कार्मिकों के लिए, उनके पारिवारिक जनों के लिए तो आज आवास की अत्यंत ही कमी है। 18% कुल आवास है जो सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस की व्यवस्था में मिल पाते हैं, उसकी संख्या बढ़े, उसका प्रतिशत बढ़े, उसके लिए हमने एक प्रयास शुरू किया है कि अगले 3 वर्षों में हम 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान करेंगे, जिससे कि पुलिस को और पुलिस के परिवार के लोगों को, पुलिस के जवानों को, पुलिस के कार्मिकों को अपने परिवार के आसपास रहने के लिए अच्छे आवास उपलब्ध हो पाए, अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो पाए, जिससे उनका जो समय है वह भी बचेगा और उनकी जो कार्य क्षमता है वह भी बढ़ेगी। वो एक तरह से कहीं ना कहीं जो समय की बर्बादी होती है, उनके रहने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है, बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है, सुरक्षा की दृष्टि से, अन्य दृष्टियों से भी कई बार वो चिंता का विषय होता है, उस दिशा में भी हम ठोस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा उनका मानना है कि पुलिस की व्यवस्था जो है अच्छी होनी चाहिए, स्मार्ट पुलिसिंग होनी चाहिए, पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ठीक प्रकार से उपयोग करें और आने वाली चुनौतियों का सामना करें, उसमें हमारा प्रयास हर संभव रहेगा कि पुलिस जितनी सुदृढ़ हो सकती है। और हमने जो संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, तो उसमें हमारी अच्छी पुलिसिंग भी शामिल है, इसलिए पुलिस को सुदृढ़ करना भी हमारी प्राथमिकता है। मैं एक बार फिर से आप सभी को अपनी ओर से दीपावली पर्व आ रहा है, मैं उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं पुलिस परिवार के लोगों को, आज ये मेले के अवसर पर बधाई देता हूं और उपवा की हमारी सभी बहनों को, अलकनंदा जी के साथ जितनी भी यहां पर टीम है, पूरी टीम को, सभी जिलों में भी जो टीम काम कर रही है उनको भी अपनी बधाई देते हुए कि वो बहुत शानदार काम इसमें लोगों के हितार्थ, लोगों के हितों के लिए कर रही है, उसके लिए बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं अंततः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अध्यक्ष उपवा महोदय से कि आज के मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ कतल ध्वनि। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। आपने व्यस्ततम दैनंदिनी के जो क्षण हमारे सुपुर्द किए, हम सदा सदा के लिए आपके ऋणी रहेंगे। उपवा परिवार की ओर से आपका पुनः पुनः हृदय की गहराई से सहभार। धन्यवाद।